टुडेज अवर पॉइंट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर एंड कोफैक्टर, व्हाट इज मीन बाय अ माइनर? माइनर्स एज वेल एज कोफैक्टर्स, व्हाट आर द माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट के जितने एलिमेंट है उनके एलिमेंट्स के माइनर किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं? हाउ वी कैलकुलेट द माइनर्स? हर एलिमेंट का एक माइनर होता है वैल्यू, वो एक डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए? बहुत ही सिंपल टेक्निक। हम कुछ भी डिटरमिनेंट ले लेंगे, व्हाट एवर मे बी द डिटरमिनेंट वी टेक, व्हाट एवर मे बी द डिटरमिनेंट वी हैव, हम अगर उसका माइनर कैलकुलेट करने जाओगे तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाउ वी कैलकुलेट द माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट इज आवर पॉइंट। बहुत ही सिंपल बात है, मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, सी हियर दिस इज द डिटरमिनेंट आई हैव। नाउ हाउ आई विल कैलकुलेट द माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट का माइनर ना एलिमेंट्स, समझो मेरे पास नंबर है 5 2 1, 3 2 -2 5, 4 7 8, दीज आर सम एलिमेंट्स। सो इट्स अ वेरी सिंपल टू फाइंड द माइनर एंड, बट एक्चुअली माइनर मीन्स वॉट? फर्स्ट लेट अस गिव द नंबरिंग में द माइनर्स एंड डिटरमिनेंट्स। माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट, माइनर ऑफ योर डिटरमिनेंट्स, ओके, माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट। माइनर्स आर वेरी सिंपल, टू फाइंड द माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट ईच एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट वी हैव टू गो थ्रू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। हाउ वी गो थ्रू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आवर नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट के बारे में हम पहले सोचेंगे। व्हाट इज द ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट? To find the minors, कंसिडर ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। हर एक एलिमेंट्स को हमें कंसिडर करना होता है, वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर हम हर एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो उसका एक नंबरिंग रहता है। ईच डिटरमिनेंट हैज एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स हैव सम नंबरिंग। द नंबरिंग डिपेंड्स ऑन देयर नंबर ऑफ द कॉलम एंड द नंबर ऑफ द रोज इन विच दे आर सिचुएटेड। Here number 5 is situated in which row and which column? First decide. Number 5 is situated in first row and first column. So its a place is called A11. Number in the first column and the first row is called as a number element in the first column, and first row is called number in the element in the first, and number and element both are same. Number matlab element, element matlab number. डिटर्मिनेंट के नंबर्स को एलिमेंट कहते हैं, उसे मेंबर भी कहते हैं। तो 5 जो नंबर है, पहला 5, एक -5, एक 7 है, दो बार भी जगह आया तो उसके प्लेस का वैल्यू, उसके प्लेस की वजह से उसके कुछ फंक्शंस अलग हो जाते हैं। अगर हमारा 2 2 टाइम्स है, एक है पहले रो में, दूसरा है दूसरे रो में, अगर ये पहले रो का 2 लेके देंगे दूसरे रो का 2, तो उनके कुछ फंक्शंस अलग है, उनका फंक्शनिंग अलग अलग जगह अलग अलग होता है, तो उनके प्लेस के ऊपर वो फंक्शनिंग डिपेंड है, ओके? तो पहला रो का जो 2 है उसको हम कहते हैं नंबर इन द एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम।
दूसरे रो का जो टू है उसे हम कहते हैं नंबर इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब नंबर एट के ओर जाइए, नंबर एट जो है वो कौन से रो में है, वो थर्ड रो में, और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। पहले रो डिटरमाइन करना, इन विच रो इट इज। रो किसे कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड एज रो, रो हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड एज रो, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड एज रो, R1, R2, R3, दीज आर द रोज, दीज आर द रोज, R1, R2, R3 आर द रोज। यू ऑल हैव द रोज, आपके पास रोज है, ऑल्सो यू हैव द कॉलम। वट आर द कॉलम्स, कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। वट आर द कॉलम्स देयर, देयर आर थ्री कॉलम्स। वट इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम इज डिनोटेड बाय C1, सेकेंड इज डिनोटेड बाय C2 एंड थर्ड इज डिनोटेड बाय C3। ईच ऑफ द कॉलम इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। सीयर, अगर हमको किसी भी नंबर्स के बारे में सोचना है, वेन यू थिंक अबाउट एनी वन ऑफ द नंबर, यू विल थिंक दैट द नंबर इन द फर्स्ट रो इज वॉट, 5 है, और वो पहले कॉलम में है, तो उसको हम कहते हैं नंबर इन द फर्स्ट रो एंड नंबर इन द फर्स्ट कॉलम। अगर हम नंबर करते हैं सेकंड रो में, तो नंबर इन द सेकंड रो एंड सेकंड रो, और जो कॉलम है वो कॉलम हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट नंबर जो है -5, -5 कौन से रो में है, -5 इज इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ऐसे जाते 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 हम सभी नंबर्स के बारे में सोच सकते हो। नाउ इट फॉर एनी नंबर हियर, वट एवर मे बी द नंबर दैट यू हैव, द नंबर इज वेरी सिंपल। कोई भी नंबर हो, आप 7 नंबर लीजिए, कौन से रो में है, इट इज इन थर्ड रो एंड इन विच कॉलम, इट इज सेकंड कॉलम। तो ये उनकी प्लेस है, ये प्लेस से हमें बहुत कुछ चेंज। अभी नंबर 3 कौन से रो में है, सेकंड रो में, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो में। अभी नंबर 4 कौन से रो में, थर्ड रो, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। इसके ऊपर ही सोचना है, ज्यादा सोचना नहीं, इतनी सिंपल बात है, एक बार बता दी तो हो सकता था। तो चलो अभी ये नंबर 4 है, वो कौन से रो में है, थर्ड रो में, और वो कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में। तो इसको कहते हैं A31, दिस नंबर इज डिनोटेड बाय A31। अब A31, ये हुआ A31, A31 मतलब नंबर इन द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A31 का वैल्यू कितना है, 4। A31 का वैल्यू है 4, द वैल्यू ऑफ A31 इज 4। अब हम माइनर्स में जाएंगे। अब उसके पहले मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A33? A33 का वैल्यू कितना है, 8। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A32? 7। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A22? A22 का वैल्यू 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A31? A31 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A31? A31 का वैल्यू कितना है, 4। वॉट एवर मे बी द वैल्यू, यू मस्ट नो ईच ऑफ द वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है, A23। ये वैल्यू कौन सी है, A13। ये वैल्यू कौन सी है, A21। ये वैल्यू कौन सी है, A12। ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू A11 है। ये वैल्यू A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहला सफिक्स रो नंबर दिखा था और दूसरा सफिक्स कॉलम नंबर दिखा था। पहला सफिक्स रो नंबर दिखा था, दूसरा सफिक्स कॉलम नंबर, पहला सफिक्स रो नंबर, दूसरा सफिक्स कॉलम नंबर। अब ये नंबर -5 है, कौन से प्लेस पे है, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में। तो ये हुआ A32, A23 उल्टा हुआ था, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अभी हमको पता लगा व्हाट आर द प्लेसेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड बाय व्हिच लेटर्स दे आर डिनोटेड। द प्लेसेस ऑफ द डिटरमिनेंट्स आर डिनोटेड बाय AIJ। फर्स्ट सफिक्स इज फॉर नंबर ऑफ द रो, I इज फॉर रो एंड J इज फॉर कॉलम। ईच ऑफ द सफिक्स, पहला सफिक्स रो डिनोट करेगा। अभी हमारे पास दो लेटर हो गए, एक है माइनर का रोटेशन, माइनर का है कैपिटल M, माइनर का, और ये कैपिटल M IJ, कैपिटल M IJ, कैपिटल M IJ मतलब माइनर, माइनर। अब ये जो माइनर है,
वो एम आई जे हर ए आई जे के ऊपर डिपेंड रहेगा, एम आई जे उसी ए आई जे के ऊपर डिपेंड रहेगा, बोले तो सफिक्स वही रहेगा। समझो हमें एम आई जे एम टू वन निकालना है, एम टू वन मेरे मुझे हम किसी ने पूछा एम टू वन मतलब माइनर, माइनर ऑफ टू वन, टू मतलब सेकंड रो, वन मतलब फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, विच इज द एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट इज द थ्री, थ्री जो है वो सेकंड रो, हाँ 2 मिनट, थ्री जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में थ्री नंबर है ना, तो नंबर इन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इज थ्री। अभी क्या करना है, माइनर ये नंबर थ्री के प्लेस के ऊपर डिपेंड है, नॉट ऑन थ्री, माइनर डिपेंड ऑन द प्लेस, फिर से बात करता हूँ, माइनर डिपेंड ऑन द प्लेस। अब एक बार माइनर मिल गया तो हमें आगे कोफैक्टर मिलते हैं, कोफैक्टर के दो नोटेशन, माइनर डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ द इलेवन। अब हम माइनर एम टू वन कैसे निकालेंगे, एम टू वन के लिए हमें ए टू वन की जरूरत है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए टू वन, ए टू वन की वैल्यू अभी आप लोगों ने बताई है थ्री, ए टू वन इज थ्री, ए टू वन का जो वैल्यू है वो थ्री है, ए टू वन का वैल्यू जो है वो थ्री है, द वैल्यू ऑफ ए टू वन इज थ्री, ए टू वन का वैल्यू जो है वो थ्री है। अब हम अगर आगे जाए तो हाँ कुछ भी नहीं करना, अभी ए आई जे आई फॉर रो जे फॉर सी, एम आई जे आई फॉर रो जे फॉर कॉलम। अभी हम जाएंगे एम आई जे एक्चुअल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हर जगह का एम आई जे। अब हम जे देखेंगे एम टू वन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एम टू वन देखेंगे, एम टू वन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एम टू वन, एम टू वन इज अ वेरी सिंपल थिंग। एम टू वन को आपको करना क्या है, एम टू वन इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब हम जाएंगे एम टू वन में, पहले लिखेंगे ए टू वन इज थ्री, एक समझ में आता है, इसका भी एप्लीकेशन है बट कुछ डिफरेंट वे से, अभी ये थ्री का कोई एप्लीकेशन नहीं इसमें, अब डायरेक्ट थ्री के प्लेस का एप्लीकेशन होगा। एम टू वन मतलब माइनर, माइनर का स्पेलिंग है ये, दिस इज अ माइनर। अब हम माइनर किसका फाइंड कर रहे हैं, माइनर ऑफ ए टू वन, वी आर फाइंडिंग द माइनर ऑफ ए टू वन, ए टू वन का माइनर हम फाइंड करने जा रहे हैं, माइनर ऑफ ए टू वन का नोटेशन है एम टू वन, एम टू वन, अभी ये थ्री का उसके उसमें कोई जिक्र नहीं, उसके प्लेस का जिक्र है, तो दो इट इज ए टू वन, तो इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट लेना है, कौन सा डिटर्मिनेंट, माइनर कौन से एलिमेंट का है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, और जो डिटर्मिनेंट बचता है उसकी वैल्यू होती है माइनर ऑफ दैट रो एंड कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनस है, जो होता है माइनर होता है वो, उसको डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू, कौन सा डिटरमिनेंट आता है 2178, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 8 2s are 16, 16 minus 7 is 9, दिस इज योर वैल्यू, सो दिस इज वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एम टू वन, उसे हम कहते हैं एम टू वन, एम टू वन समझ में आया सभी को, एम टू वन। अब हम जाएंगे एक 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 वैल्यू की ओर, एम टू वन माइनर ऑफ द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, माइनर का मतलब उसी रो और उसी कॉलम को डिलीट करके जो नंबर रहे, जो डिटरमिनेंट रहता है उसे कहते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट रो एंड दैट कॉलम, उस कॉलम और उस रो में सिचुएटेड नंबर का जो है वो माइनर रहता है। अब हम देखेंगे नंबर -5 के ऊपर, -5 कौन से रो में, सेकंड रो, और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो ये ए टू थ्री का वैल्यू है -5, तो हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ ए टू थ्री, व्हाट इज द माइनर ऑफ ए टू थ्री, सेकंड रो और थर्ड रो के कॉलम का, हाँ सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर क्या होगा, व्हाट विल बी ए टू थ्री, ए टू थ्री विल बी व्हाट। अब माइनर कैसे निकालना है, सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को डिटरमिनेंट के रूप में इलिमिनेट करके लिखना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिटरमिनेंट के, बट उनको डिलीट करके, सेकंड रो डिलीट हो गई, अब हम थर्ड कॉलम भी डिलीट करेंगे, हाउ विल यू डिलीट द थर्ड कॉलम, डिलीट ऑफ द थर्ड, ये डिलीट हो जाएगा, तो बचता क्या है, ये डिलीट हुआ है, क्या बचेगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडिंग डिटरमिनेंट, यस 5 2 4 7,
5 2 4 7 जो बचता है वो 5 7s are 35, 35 minus 8 is 27. यू मस्ट हैव सम ग्रास्पिंग एबिलिटी, यू हैव इट. इफ यू हैव द ग्रास्पिंग एबिलिटी, एक नंबर से आपको दूसरे नंबर, सो माइनर आपको समझ में आया. अभी और एक माइनर लेते हैं, थर्ड रो में से किसी एक क्वांटिटी. समझो हमने लिया A32, मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो. व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो? ये है 7, A32. सो व्हाट आर इट्स यूजेस, ये भी एक बात है, वो बाद में बताएंगे, बट पहले सीख लो हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ माइनर एंड. नहीं अभी आगे के प्रॉब्लम में होगा ना, इसमें चल रहा है ना वो. कंटिन्यूस में जाइए, अगर एक आधा पॉइंट आपका रुक गए आप लोग, नो रिपीटेशन. अब रिपीटेशन नहीं होगा, नेक्स्ट पॉइंट में उसको कवर करना है. आप देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान भटकना है. मेरे हर पॉइंट के ऊपर ध्यान देते जाइए. डिटर्मिनेंट कुछ भी हो, अभी हमें क्या फाइंड करना है, माइनर. किसी एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट्स. अब कौन से एलिमेंट का, हमने बता दिया कि थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का. थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मतलब एलिमेंट इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, कौन है वो? 7. तो वी आर गोइंग टू फाइंड अ माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. हाँ यस, कैसे फाइंड करना है देखो, उसका नोटेशन है M32. माइनर का नोटेशन है M32. M32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर M32. तो वो कैसे फाइंड करना है, सिंपल बात है. आपके पास है थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट मतलब 7 का, उसका रो ए डिलीट हुआ उसको छोड़ दो, और उसी का कॉलम ए डिलीट हुआ उसको छोड़ दो. अब डिटर्मिनेंट जो बचेगा देख लो ना, क्या बचता है डिटर्मिनेंट. ये रो गया है, ये कॉलम गया, तो डिटर्मिनेंट में क्या रह गया, 5 1 3 -5. अब लोग करते हो 5 1 3 -5, तो कितना हुआ, व्हाट इज इट्स वैल्यू, -25 -3, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, -28, एंड दिस इज -28 वैल्यू. आ गई आपको ये वैल्यू समझ में, -25 -3 will be -28. Is it right? अब हम जाएंगे और एक element. इसे कहते हैं minor of that element. Minors are found for the corresponding elements. हम सभी elements के लिए minor find कर सकते हो. A32, third row और second element. फिर ये क्या है? A32 का element जो है, अभी कौन सा फाइंड किया, माइनर ऑफ A32 ही फाइंड किया ना. व्हाट इज A32? नंबर 7, और उसका माइनर कितना है, -28. फाइंड हुआ ना. फिर आगे हम जाओगे, व्हाट इज योर नेक्स्ट माइनर, हमारा नेक्स्ट माइनर क्या होगा, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट माइनर. बहुत ही सिंपल होगा, माय नेक्स्ट माइनर क्या करोगे. कौन सा एक एलिमेंट ले लेंगे, बहुत ही सिंपल है. अभी हम ले लेंगे पहले रो का एक एलिमेंट ले लेंगे, पहले रो का सेकंड एलिमेंट. ये पहले रो के माइनर हमको याद रहते हैं, आप लोग बहुत मेथड याद रहती है उसकी. A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, उस माइनर का नोटेशन है M12. M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए. ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, सो बचता क्या है, 3 -5 4 8. सो व्हाट इज इट्स अ वैल्यू, डिटर्मिनेंट लिख लो और मुझे कैलकुलेशन बताइए. इज इट 44? यस द वैल्यू इज 44. यू आर राइट, यू ऑलवेज राइट. नाउ द वैल्यू कम्स टू बी, यस वेरी गुड, बहुत सही, द वैल्यू इज 44. इन एनी वे यू आर गेटिंग द वैल्यू. सब माइनर सभी को क्लियर हुआ, ओके, all of you got the value of minor. अभी हम जाएंगे आगे minor के बाद. अब so how many minor we can find,
फॉर द 3/3 डिटर्मिनेंट हमको कितने माइनर मिलेंगे, हाउ मेनी माइनर्स वी कैन फाइंड फॉर द 3/3 डिटर्मिनेंट। नाइन एलिमेंट्स तो नाइन माइनर, हाउ मेनी माइनर्स वी कैन फाइंड, तो इसमें नाइन एलिमेंट है तो नाइन माइनर हो गए, मतलब हर एक एलिमेंट का माइनर है। तो हर सभी माइनर के मैं नोटेशन लिखता हूँ, M11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करो, M12 पहला रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, M13 पहला रो और थर्ड कॉलम डिलीट करो, ये हो गए पहले रो के माइनर्स। ओके, अब दूसरे रो के माइनर कौन कौन से, M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, M12 फर्स्ट M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M13 दीज आर द थ्री माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3-3-3 नाइन माइनर्स। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, एक बार माइनर मिल गए ना सब दुनिया में सब हुआ फिर आपका डिटरमिनेंट। अभी माइनर के साइन आपको बदलने, बस ये 1+1 कितना आता है 2, 1+2 पहले माइनर में देखो 1+2 2, 1+2 3, 1+3 4, 2+1 3, 2+2 4, 2+3 5, 3+1 4, 3+2 5, 3+3 6, 1+1 2a, 1+2 3a, 1+3 4a, 2+1 3a, 2+2 4a, 2+3 5a, 3+1 4a, ये 5a, ये 6a, ये 5a, ये 4a, ये 3a, ये 4a, ये 2+3 5, उसके प्लेस का एडिशन करना है, नंबर ऑफ द रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। जब हम इसको ऐड करेंगे, व्हेन यू ऐड दिस, जब हम इसको ऐड करेंगे M11 M12 M13 आपको ऐड करना है, 1+1 कितना आता है 1+1 इज 2 और 1+2 कितना आता है 3। 2 और 3 में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3। हम जो एडिशन मैंने अभी बताई, 1+1 ये 2 आया था, 1+2 ये 3 आया था, 1+3 4 आया था, तो ये एडिशन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग इन ऑल दीज एडिशंस। 2+1 3 आता है, 2+2 4 आता है, 2+3 5 आता है, 3+1 4 आता है, 3+2 5 आता है, 3+3 6 आता है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग। ये नंबर को छोड़ दो, उनके प्लेसेस की जो वैल्यूज है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसका जो फर्स्ट फर्स्ट है उनका एडिशन किया तो नंबर 2 आता है, नंबर 2 और 3 में डिफरेंस 1 है। अच्छा, अभी 2+2 4 और नंबर 2 में क्या सेम है, क्या चीजें सेम है, व्हाट थिंग्स आर सेम इन 2+2 एंड 1+1, 4 और 2 में क्या सिमिलैरिटी है, 4 और 2 में, और 3 आए और 5 में क्या सिमिलैरिटी है, 6 4 और 2 में क्या सिमिलैरिटी है, 2 4 और 6 में क्या सिमिलैरिटी है, 3 और 5 में क्या सिमिलैरिटी है, 3 और 5 में जो इनमें भी है और इनमें भी है क्या सिमिलैरिटी, 2, 4, 6 में क्या सिमिलैरिटी है, 3+2 में क्या सिमिलैरिटी, 3+2 5, 2+3 5, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस व्हाट इज द सिमिलैरिटी, 2, 4, 6 इवन नंबर है और 3 और 5 जो है वो ऑड नंबर्स है, इवन समझ में आया, इवन नंबर्स। अभी हम जब 1-1 लिखते हो M11 तो ये 1+1 इवन नंबर आता है, जब हम ये 3-1 लिखते हो 3+1 जो वैल्यू है 4 वो इवन नंबर आती है, व्हेन यू राइट 2-2 M22 तो 2+2 हम लिखते हैं 4 यानी एक इवन नंबर होता है। अब इसके वैल्यू के बारे में नहीं, वैल्यू तो आपको आती है, कैसे फाइंड करना है माइनर्स एंड ये सब आपको आता है, सवाल है उनके प्लेस से हमें और कुछ मिल सकता है कि, बहुत सिंपल बात है, तो वो बहुत ही सिंपल बात है, वो कैसी है, जब आपके पास माइनर होगा तो आपको को फैक्टर फाइंड करने होते हैं, यू हैव टू फाइंड द को फैक्टर्स एंड व्हाट आर द को फैक्टर्स। आप जब को फैक्टर फाइंड करते हो तो बहुत ही सिंपल होते हैं को फैक्टर, व्हाट आर द को फैक्टर्स, को फैक्टर क्या होते हैं, माइनर का सिर्फ साइन बदलना है,
माइनर का आपको क्या बदलना है, सिर्फ साइन, उसे कहते हैं कोफैक्टर। अब साइन कौन सा देना है, पॉजिटिव या निगेटिव साइन, दो ही साइन होते हैं। हमारे पास किसी एक नंबर का माइनर है, समझो इसका माइनर, तो उसका नोटेशन क्या होगा, एम वन वन, एम वन वन इज द नोटेशन फॉर दिस माइनर होगा, एम वन वन। ये जो नंबर है उसका अगर माइनर होगा तो इसका नोटेशन क्या होगा, एम टू वन। अगर ये नंबर है तो उसका माइनर क्या होगा हमारे पास, एम थ्री थ्री, ये नोटेशन। बस तीनों के बारे में, अब तीनों का हम को फैक्टर निकालेंगे, तीनों के एलिमेंट्स का को फैक्टर। व्हाट इज अ को फैक्टर, को फैक्टर के दो नोटेशन, एक है सी आई जे और एक है ए आई जे, सी आई जे एंड ए आई जे। चलो सी आई जे मतलब सी वन वन, अभी हम इसके बारे में जब को फैक्टर है उसको बोलेंगे सी वन वन। सी वन वन बहुत ही सिंपल, वन प्लस वन क्या आता है, टू, और टू ये इवन नंबर होता है और इवन नंबर, तो प्लस, प्लस क्या, जो हमने एम वन वन लिखा है वही लिखना है, एम प्लस एम वन वन, मतलब एम वन वन की वैल्यू बदलेगी नहीं, उसे कहते हैं सी वन वन। अब हमारे पास है एम टू वन था, अभी एम टू वन, तो सी टू वन, एम टू वन पहले आपको कैलकुलेट करना है, जो हमने बताया कैसे कैलकुलेट करना है माइनस। अब हम जा रहे हैं को फैक्टर, टू प्लस वन थ्री क्या है, थ्री, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होते समय इसको माइनस करना है, माइनस किसको करना है, जिस नंबर का आपने माइनर निकाला है उस माइनर को, माइनर ऑफ टू वन, टू वन के माइनर को निगेटिव बनाना है, मतलब ये ऑलरेडी निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, माइनर्स के साइन चेंज करके जो आते हैं उनको कहते हैं कोफैक्टर्स, बट वो साइन डिपेंड होते हैं ये सफिक्स के ऊपर। सफिक्स का एडिशन अगर इवन है तो वही साइन रहता है, सफिक्स का एडिशन अगर ऑड है तो साइन चेंज होता है, ये है कोफैक्टर। अब हमारे पास एम थ्री थ्री है, उसका वैल्यू हमने कुछ कैलकुलेट किया होगा, वो कैलकुलेट आप देख लो, एम थ्री थ्री का वैल्यू 10 - 6 = 4 आता है, एम थ्री थ्री का वैल्यू किसी के पास है, एम थ्री थ्री का वैल्यू ये कट कर लो, 5 × 10 - 6 = 4 आता है, ये एम थ्री थ्री हमारे पास समझो 4 है। तो हम सी थ्री थ्री, देखो मैं अभी प्रॉब्लम के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद द प्रॉब्लम, एम थ्री थ्री का वैल्यू क्या है, वॉट इज वैल्यू ऑफ एम थ्री थ्री, तो एम थ्री थ्री का वैल्यू जो है M33 का वैल्यू, इसका रो कट करो और कॉलम कट करो, 5 × 10 - 6 दैट इज 4 है ना। अभी M33 का वैल्यू ये जो 4 है उसका एप्लीकेशन C33 में कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड C33, C33 विल बी व्हाट, Cij, C33 को A33 भी कहते हैं, कैपिटल A33, कोई भी नहीं, सेम है, नोटेशन अलग है, मीनिंग सेम, कोफैक्टर। तो 3 प्लस 3 क्या होता है, 6, तो प्लस M33, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब वैल्यू 4 होगी। अगर ये एडिशन जो है कोई सफिक्स का ऑड आता है तो वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए ये एडिशन जो है वो इवन चाहिए। बस इतना हुआ माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में, किसी को कोई डाउट, कैसे लगा आपको ये सेशन माइनर एंड को फैक्टर का, माइनर एंड को फैक्टर, माइनर का और को फैक्टर का ऐसे लग रहा है, समझ में आ रहा है, माइनर और को फैक्टर किसी भी नए एलिमेंट्स के आप अगर माइनर और को फैक्टर लेते, अभी इसी डिटरमिनेंट के माइनर और को फैक्टर, हाँ यस, तो हम कंटिन्यू करेंगे एक मिनट में, फास्ट इसी डिटरमिनेंट के, आपके पास है 5 to 1, ये डिटरमिनेंट के वैल्यू जिसके पास हो गए बताइए, 5 to 1 इज इन द फर्स्ट रो, 5 to 1, 3, 2, -5, 4, 7, 8, it was our determinant, is it right? अब इसके कुछ माइनर्स और कुछ को फैक्टर आप लोग कर सकते हैं, कुछ माइनर एंड कुछ फैक्टर्स, how will you find us some minors and some co factors? समझो हम ले लेंगे A11, तो A11 का वैल्यू हमारा 5 है, उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी हमें फाइंड करना है M11, what is M11?
पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कीजिए, 8 2s are 16 एंड माइनस माइनस 7 into 5 कितना हुआ, प्लस 5 35, 16 plus 35 व्हाट इज वैल्यू ऑफ M11, पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आता 8 2s are 16, 16 plus 35 दैट इज 51 आ गए ना। अब हम जाएंगे को फैक्टर CIJ, C11 क्या होगा, 1 plus 1 कितना आता है, 1 plus 1 2 आता है, इवन आता है तो प्लस M11, प्लस M11 मतलब इसकी वैल्यू 51 बदल लेगी नहीं। अब हम जाएंगे A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A12 क्या है, कौन है, 2। अभी A12 से हमें क्या मिलेगा, M12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, यू विल डिलीट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम। जब आप इसको डिलीट करोगे, ये हमको विजुअली डिलीट करना है, डायरेक्ट डिलीट नहीं करना। 3 minus 5 4 8 तो वैल्यू कितना होगा, 3 8s are 24, माइनस माइनस प्लस 20 44, सो वैल्यू प्लस 44 आता है, आप लोगों ने क्या लिया, प्लस है। अब C12 क्या होगा, अब देखो 1 plus 2 जो है ना ऑड है, और जब ऑड आती वैल्यू तो माइनस, माइनस M12, माइनस M12 मतलब व्हाट, माइनस M12 का मतलब व्हाट, माइनस 44। आपकी ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन शुरू होना बहुत जरूरी है ना। विलेज में जो 12 कार्ट्स को खींचते हैं ना वो भगवान के भक्त, वैसे एक बार ट्रेन शुरू हो गई तो आप कर सकते हो। अभी तीसरा पॉइंट, ये A13 पहले रो का थर्ड एलिमेंट,